ओके। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मारो उसे, मारो मारो और मारो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मारो और मारो, बहुत मारो उसे। संभालो अपने आप को। मारो उसे, मारो। नमस्ते मास्टर यून, मैं हाजिर हूँ। हाल ही में तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत लोगों ने तुम्हारी सिफारिश की है मुझसे। आपका शुक्रिया, मैं मेहनत करता रहूंगा। मुझे ऐसी चापलूसी पसंद नहीं है, तो अपनी ईमानदारी और काम से अपने आप को साबित करो। उम्मीद करता हूँ ये तुमसे होगा। ऐसा ही होगा मास्टर। याद रखना, जब मैं सफल हो जाऊंगा तब तुम मेरे योग्य सहायक बनोगे। मैं आपका आभारी हूँ मास्टर। हमारे चारों ओर काफी खतरे हैं, जल्दी से मिस्टर चैंग को ढूंढो और उन्हें ये दे दो। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये काम में देरी हो गई तो मेरे करियर पर असर पड़ेगा। समझ गया। देखो तुम्हारे पीछे आ रहा है वो। आप कितने दयालु हैं। आप चिंता मत करो। भैया भैया, मैं आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, तुम वैसे भी बहुत कमाते हो। हाँ तो कहो, कैसे आना हुआ? दरअसल मैं बहुत दिनों से आपसे मिलने नहीं आया था। मेरी मिलने की आपसे बहुत इच्छा थी, लेकिन बहुत सारे कामों से मैं इस दौरान घिरा हुआ था। मेरे पास कोई चारा नहीं था। तो तुम्हें बहुत काम था। कोई बात नहीं, इस दुनिया में सबको काम होता। नौजवानों को मौके का फायदा उठाना चाहिए। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत तो हमें करनी होगी, है कि नहीं? बस इसीलिए
एक बुद्धिमान चिड़िया उस पेड़ पे घोंसला बनाती है जहां पर वो बिना डर के रह सके, और मैं भी ऐसा ही हूं भैया। अलग अलग लोगों के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। भैया मैं आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करने आया हूं, लेकिन सबके सामने नहीं, अकेले में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फंस सकते हैं। यानो, क्या कहा तुमने? भैया अनजान मत बनिए, जिसे आपने घर में छुपा के रखा है उसे हमें सौंप दीजिए आप, क्योंकि मुझे ये लगता है इसी में हमारी भलाई है। बहुत दर्द हो रहा है। चिल्लाओ मत, बहुत जिद्दी हो तुम। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, जब तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि आखिर में तुम्हें हार नहीं है। ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा है। तुम्हें पता है कमाना जरूरी है, और मैं योद्धा की उपाधि बिल्कुल नहीं खो सकता। मैं इसे शानदार हार बोल सकता हूँ। बकवास है ये। देखो तुम्हें हार माननी ही होगी। मेरे ख्याल से तुम शायद हारना ही नहीं चाहते हो। हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमने एक सौदा भी किया था। मैं नियमों का पालन करूंगा, और वहां पर इतने ज्यादा रईस ज्यादा थे कि मेरे ख्याल से उनसे पैसे हड़पना आसान होगा। ये बात अपने तक ही रखो, इन पैसों के बिना हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। और जहां तक तुम्हारी बात है, तुम्हारी दवाइयों के लिए मैं पैसे बचा सकता हूँ। क्या क्या आप सच कह रहे हैं? मैं अपने जिंदगी से लड़ाई कर रहा हूँ, और आपको दवा और पैसों की बस इतनी पड़ी है? क्या आप मेरे असली पिता नहीं है? अगर मैं तुम्हारा असली बाप नहीं हूँ कमीने, तो क्या मैं तेरा सौतेला बाप हूँ? खैर मैं तो बस मजाक कर रहा था। देख मैं तुझे बता रहा हूँ, हम लोग वो हैं जो लड़ने का अभिनय करते हैं, हमें तो बस अपना पेट भरना है। लेकिन तू है कि बहुत बड़ा लड़ाकू योद्धा बनना चाहता है, क्यों है ना बेवकूफ? ठीक है, जब मुझे अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे तो मैं इसे छोड़ दूंगा, मेरा अपना एक साम्राज्य होगा। नहीं, मैं तो अपनी एक बड़ी सी पाठशाला खोलूंगा, फिर चेलों की भर्ती करूंगा और बहुत ज्यादा मशहूर होऊंगा। फिर देखना अपने नियम कायदे होंगे। पता नहीं तू क्या बकवास कर रहा है, मैंने दवाई लगा दी है, तू जाकर आराम कर। पता नहीं तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम जा सकते हो। भैया मैं ये सब कुछ आपके भले के लिए कह रहा हूं, बेहतर होगा कि आप मौके का फायदा उठाएं। तो क्या अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? देखिए भैया, मैं आपको इस मुसीबत से निकालना चाहता था, इसीलिए आपको समझा रहा था। चलता हूं मैं। चले जाओ। दरअसल भैया आपने मुझे गलत समझ लिया, मैं तो ये सब बस इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या जिनलिंग में दंगे नहीं हो रहे हैं? देखो तुम्हें मेरी एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि काम करते वक्त कम बोलना चाहिए, समझे? और कई बार तो हमें सुनो अपना काम निकालने के लिए बहरा बनना पड़ता है। ओ समझ गया। मिस्टर चैंग, मैं बहुत दिनों से आपको ढूंढ रहा था। देखो युवांग, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। बहुत जल्दी बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। इस काम के लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे चाहिए, और तुम्हें बहुत तैयारी भी करनी होगी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें इतने पैसे कमाने की भूख क्यों है।
अथाह संपत्ति चाहिए। आखिर पैसे किसी अच्छे नहीं लगते। फिर तो तुम्हें पैसे के साथ ही रहना चाहिए। लेकिन मुझे तुम और पैसा दोनों ही चाहिए। आपके प्यार के लिए शुक्रिया। आपका जो कर्ज है वो मैं चुका दूंगी। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है जिसका मैं बहुत आभारी हूँ। तुम्हें मुझे जो कुछ देना था तो मुझे पहले ही दे चुकी हो, उसके लिए शुक्रिया। मैंने इस मुकाबले के लिए तैयारी कर ली है, अब फिक्र मत कीजिए। यहाँ पर जी। वाह, ये तो अलग है कुछ। अरे बाप रे, ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। बकवास बंद करो, तुम बार बार ये भूल जाते हो कि तुम सिर्फ लड़ने का अभिनय करते हो। और देखो, तुम सिर्फ लड़ाई पर ध्यान दो, ये सब देखकर बहकने की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है। अरे वो देखो क्या शानदार सोफा है ना। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? बस पकड़े मत जाना, समझे? हाँ। क्या ये सोना है? अरे अरे अरे, इसे खरोचना मत। ये सोना नहीं है। चलो वहां देखते हैं। जिलिंग के प्रभारी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जी जरूर जरूर। जानते हो ना, इस मुकाबले का आयोजन खुद चीफ डीओ ने किया है। कोई गलती मत करना, नहीं तो अंजाम तुम्हें मालूम है। जी हम समझ गए, हम नियमों का पालन करेंगे। तुम नियमों को समझ गए हो ना, हमें किसी भी हाल में जीतना है। जी हाँ, हम पेशावर हैं, आप चिंता मत कीजिए। अपने रहने के लिए कोई जगह देख लो, देर मत करना। जी जरूर। अरे सुनो, क्या जिनलिंग में कोई दिलचस्प रंगा है? ये मेरा बेटा है। क्या तुमने वो देखा कि बॉक्सिंग जिम का मालिक एक औरत है? हाँ तो इसमें गलत क्या है? और सुनो, मुझे लगता है और कोई भी उनके साथ है, तुम उन्हें नाराज मत करना। बस अच्छे से अपना काम करना, समझ गए ना? क्या समझ गया, मैंने तो अपने रोजाना के पैसे भी गवा दिए। एक बात बताओ, क्रांति अच्छी है या बुरी है? अब तुम क्रांति की बात करते हो, क्रांति कब अच्छी होगी तुम्हें तो पता है। और क्रांति का क्या? अरे मुझे क्या पता, अरे चाहे जो भी हो बस तुम जिंगलिंग मत आना। यहाँ पहली बार आए हो? जो भी हो, मैं तुमसे जिंगलिंग में मिलूंगा। क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं? अरे आप उनसे पूछिए, वो अमीर लोग हैं। कितनी गंदी दुनिया है। मुझे कुछ पैसे दे दो। अरे वो देखो, वो वहाँ पर जू की पैसा। ये लो, ये तुम्हारे लिए मटर की फलियाँ। बॉस बंद करो, पैसे दो। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ। मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये लो पैसे, ठीक है? इससे तुम अपने लिए खाना ले लेना, स्कूल जाना, कपड़े भी खरीद लेना, समझ गए? अरे भागो 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 भागो। अरे भगवान, तुम भी ना इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हो? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे तुमने देखा नहीं, मैं उसे पैसे दे रहा था और वो सब लोग झुंड में आ गए, इसीलिए हमें भागना पड़ा वहां से। तुम उसे जल्द से जल्द दे सकते थे ना। अरे नहीं भाई, हमारे पास इतने पैसे कहाँ थे कि हम सबको पैसे दे देते। दोस्तों दोस्तों, क्या तुम लोग गौशन के बारे में जानते हो कुछ? अरे सुनो, ये आदमी क्या बोल रहा है? हाँ ये
तुम्हें सुनना है? ये डोंगचेन का एक मशहूर योद्धा है, ये कभी हारा नहीं है। ये लगातार 108 मुकाबले जीता है। सुनिए सुनिए, 108 मुकाबले, ये कोई मजाक नहीं है। मैं मास्टर हुआ अपने गरिमा के साथ शपथ लेता हूँ, गाओशन निश्चित रूप से जीतेंगे। तो फिर सब लोग मेरी बात सुनो, उस पे दांव लगाओ, तब तुम बहुत ही अमीर बन सकते हो। बहुत ही अमीर। मैं हुआ, मैं उस पे दांव लगा के बहुत अमीर बन सकता हूँ, है ना? अरे तुम्हें क्या मुझ पर शक है? बड़े यंग, ये एक शानदार मौका है, इस मौके को जाने मत देना। अपने सारे पैसे लगा दो इसके ऊपर और बदले में 10 गुना जीतोगे, फिर तुम अपनी बेटी को बीमारी से बचा सकते हो। बिल्कुल, अगर तुमने इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो फिर मुझे डर है कि तुम अपनी बेटी को नहीं बचा पाओगे। लीजिए मास्टर वांग, मैं अपनी बेटी की जिंदगी के लिए ये सब कर रहा हूँ। अरे चलो दूंगा ना, सुनो, चलो चलो, फिक्र मत करो, आओ चलो चलो, चलो आगे, टेंशन मत लो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। वो मेरी इकलौती बेटी है, अगर मैं उसका इलाज नहीं करवा पाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चिंता मत करो, चलो भाइयों, कोई गाओशन पर दांव लगाएगा, चलो दोस्तों। हाँ, लगाओ लगाओ। जल्दी करो, उन्हें पकड़ो। वो रहा, फेंग टेलर की दुकान पर मेरा इंतजार करना। मेरे साथ चलिए अंकल यान। क्या पकड़ो, बच के जाने ना पाए। बेवकूफ, वो तुम्हारी नजरों से गायब कैसे हुआ? नीचे उतारो, समझे तुम? मिस्टर चेंग, ये जगह सुरक्षित नहीं है, आपको जल्द से जल्द जिंगलिंग से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं, जिंगलिंग में मैं उस खबरी से अभी तक मिला नहीं हूँ, मैं उसके बिना नहीं जा सकता हूँ। सब लोग जान चुके हैं, आपको जाना ही पड़ेगा। ये सब मुझ पर छोड़ दो और तुम जाओ। ठीक है, मैंने फैंग किन्यून के घर के गुलदान में खबरी के लिए संदेश रखा है, 15 अगस्त दोपहर को पवेलियन चाय की दुकान के पास उसे मिलो। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। अंकल यान, यान हु हमें बड़ी धमकियां दे रहा है, उसने अब तक बहुत से लोगों को मार डाला है, और तो और उसने फैंग किन्यून को भी मारा। बेहतर यही होगा कि आप भी उसे मार डालो। जरूर, जल्दी करो, उनको पकड़ो। मैं उन्हें भटकाता हूँ, तुम जाओ। अंकल यान, संभाल कर। तुम भी। चलो, ये एक शानदार मौका है, अपना दांव लगाने का समय है। चलो अपना दांव लगाओ, टिकट दो, लगाओ, यही दांव लगाने का समय है। ये लो, ये लो, मुझे भी दो, तुम भी लो। चलो लगाओ, अपना दांव लगाओ, यही समय है दांव लगाने का। चलो दोस्तों, आ जाओ, मुकाबले का अंतिम दांव आ गया है, तो कौन कौन से लोग दांव लगाना चाहते हैं? आ जाओ, लगाओ दांव। हाँ, वहाँ अंदर जाओ। अरे बड़े यंग, आप किस पर दांव लगा रहे हैं? अरे बताओ ना। मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने सारे पैसे दांव पे लगा। फिर पछताना मत। ये लो दांव लगाने का आखिरी मौका। जी हाँ दोस्तों, ये मौका हाथ से छूटने ना पाए। मैंने इस बार काफी प्रचार किया है, हमें इस वक्त बड़े दाव लगाने होंगे। मैंने इस बार प्रचार पे बहुत खर्च किए हैं, बड़ा दाव लगाया है। हम इस वक्त किसी गलती का जोखिम नहीं उठा सकते। फिक्र मत करो दोस्तों,
मैं घोषणा करता हूँ कि पांच प्रांतों के बीच होने वाली आखिरी चरण की लड़ाई शुरू हो रही है। अरे सब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। अपने अंदाज में मारना और अपना ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, फिक्र मत करो, जीत कर आऊंगा। बहुत बढ़िया। अरे आराम से। तुम्हें क्या मुझ पर शक है? बड़े यंग, ये एक शानदार मौका है, इस मौके को जाने मत देना। अपने सारे पैसे लगा दो इसके ऊपर। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। ये लीजिए पैसे। मैंने इस दांव पर अपनी बेटी की जिंदगी लगा दी है। फिर तुम अपनी बेटी को बीमारी से बचा सकते हो। वो मेरी इकलौती बेटी है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं और मेरी पत्नी हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। चिंता मत करो। अरे रे,
तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा, निकल जाओ। नहीं जल्दी, कुछ खत्म नहीं होगा। मेरा खिलाड़ी जीत गया, वो जीत गया, वो जीत गया। ये कैसे हुआ? उसे पकड़ के लाओ। भागो यहाँ से, चलो चलते। भागो भागो, निकलो यहाँ से, निकल जाओ, निकलो निकलो, यहाँ यहाँ हटो हटो हटो। अरे अरे अरे, कहाँ भाग रहा है? मुझे तो लेके चल। हाँ, अरे चल 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 चल, भाग भाग भाग। हाँ चलो इस तरफ, सही सर, हट जाओ। भागो भागो भागो, पकड़ लो सर, हटो हटो, पकड़ो इन्हें। अरे अरे अरे, इस तरफ। अरे मेरे पैर, अरे रुक जाओ, मैं भी आता हूँ। अरे चलो चलो चलो, भागो, जल्दी करो। कहाँ गए? उधर देखो, चलो। अरे रुक जा, थोड़ा आराम करने दे, रुक जा। यहाँ से हम अलग हो जाते हैं। हाँ हाँ? अरे आप क्या कह रहे हैं? अरे मेरी बात ध्यान से सुन। ठीक है, हाँ अपना ख्याल रखिए। सुन, 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 वो जो गांव में मंदिर है वहां मिलना। हाँ हाँ, मुझे पता है, चलो मैं निकलता हूँ। जा जा, अपना ध्यान रखना। अरे अरे क्या कर रहे हो? पकड़ो उसे, कहीं भाग ना पाए, पकड़ो। रुक, नहीं छोड़ूंगा तेरी, तो रुक। उधर गया है, चलो। ए रुक जाओ, ए रुक।
तुम दोनों अभी के अभी बाहर निकलो। ये सब तुमने क्या किया है समझ आ रहा है तुम्हें? हम लोग इसे कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपने ही कहा था ना ऐसा करने के लिए, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ प्रमुख डिओ, तुम कौन हो? तुमको किसने अंदर आने दिया? निकलो अभी। मुझे मास्टर योन ने भेजा है, मैं यान हुआ हूँ। मैंने तो ये नाम कभी नहीं सुना। तो आपको मास्टर योन ने भेजा है? बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मुझे किसी को पकड़ना है जिसके लिए आपको शहर की नाकाबंदी करनी होगी। किसी को पकड़ना है, लेकिन किसको? देखिए, बर्दाश्त कीजिए। बेटा, बहुत 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 शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका स्वागत है। स्वागत है आपका अंकल जी। देवता, देखिए ये गाउतेन है, श्री गाउतेन, बहुत महान है ये। अगर ये नहीं होते तो मैं अपनी बेटी की जिंदगी भर की कमाई खो चुका होता। क्या हुआ था? अपनी बेटी को ठीक करने के लिए मैंने अपने सारे पैसे, पूरी कमाई दाव पे लगा दी, और मैंने जिस पे दाव लगाया था वो थे श्री गाउतेन। ये खिलाड़ी आखिरी दम तक लड़ता रहा और आखिर वो खेल जीत गया, लेकिन वो लोग धोखा दे करके आपका भी शिकार करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने अपने मास्टर की बात नहीं मानी ताकि उस खेल को जीत सके। ये मार्शल क्लास लड़ाकों के लिए एक आधारभूत सिद्धांत है। यकीनन, इनका मतलब यह है कि किसी मार्शल आर्ट योद्धा के लिए कुछ नियम कायदे होते हैं जिनका पालन करना चाहिए। मैंने किसी का नहीं सुना क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी का भी मेहनत का पैसा डूब जाए। देखो बेटा, मैंने इस प्रतियोगिता के बारे में सुना था जो जिनलिंग पुलिस विभाग के प्रमुख डुओ करवाते हैं। मुझे लगा कि कहीं तुम किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और अगर मैं अपना बलिदान भी दे देता तो वो सिद्धांतों और नियमों के लिए किया होता। खैर छोड़ो सर जी, ये हो गया। शुक्रिया। आपका धन्यवाद। अगर आप मुझे धक्का देकर बचाए नहीं होते तो मैं खुद तकलीफ में पड़ जाता। आप आराम कर लीजिए, आपका जख्म भरने के लिए वक्त लगेगा। तब तक मैं पापा को बचाने जा रहा हूँ। तुम्हारे पापा? मुझे डर है कि उन्होंने मेरे पापा को पकड़ लिया है। मेरी बात सुनिए, क्या जिनलिंग में कहीं कोई मंदिर है क्या? हाँ, गांव के पश्चिम में एक मंदिर है। ठीक है, शुक्रिया। ये ले। पिताजी। अगर तुम्हारा बेटा कल नहीं आया तो परिणाम बहुत ही ज्यादा गंभीर होगा, इसलिए आज तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरा बेटा तुम्हारे सारे पैसे चुका देगा। अच्छा, बात पैसे की नहीं है। चलो। मेरे बेटे, मैं बस ये चाहता हूं कि तू सलामत रहे। पिताजी, मुझे लगता है वो पकड़े गए होंगे।
कोई योद्धा इतना निर्दय कैसे हो जाता है? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? बेवकूफ, एकदम बेवकूफ, कोई तुम्हारी गिरफ्त से कैसे भाग सकता है? प्रमुख, ये हमारी गलती नहीं है, जो उसे बचाकर ले गया वो बहुत ताकतवर है। पूरा शहर छान मारो, कुछ भी हो जाए उन्हें खोज के निकालो, हम उन्हें ऐसे बाहर नहीं जाने दे सकते। जी। आ, आ, रुक जाओ, रुको। गांव के मंदिर के बारे में कहा ना, कहाँ गए थे आप? ठीक है ठीक है, बस थोड़ी सी खरोच आई है आपको, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। हट यहाँ से, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं मरते मरते बचा हूँ, तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए था। इतने पैसे दांव पे लगे हुए थे, लेकिन तुम हो कि तुम्हें तो सिर्फ अपने जीत से मतलब है। हाँ, मेरा तो किस्सा खत्म ही होने वाला था। देखो, न्याय मेरा मार्गदर्शक है पिताजी, मैं ये लड़ाई नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी अंतरात्मा के खिलाफ है। अंतरात्मा? तुम अंतरात्मा की बात करते हो? हम मरते मरते बचे हैं, हम कभी शायद जिंगलिंग भी नहीं जा पाएंगे। फिर तो ये अच्छी बात है, लोग सही कहते हैं ना, जिनलिंग सभी दंगों का जड़ है। ये कोई दंगा नहीं है, ये चमचे द्वारा धर्म ग्रंथियों का विनाश है। धर्म ग्रंथि? धर्म ग्रंथि क्या है और वो कोई क्यों मिटाना चाहेंगे? धर्म ग्रंथि वो है जो आम जनता को सारे कष्टों से मुक्त करना चाहते हैं। उन्होंने शांत वार्ता चुनी, लेकिन उन सारे चमचों ने शक्ति की अपनी भूख मिटाने के लिए धर्म ग्रंथियों की हत्या करना शुरू कर दिया। और वे जनता को यह भी कह रहे थे कि दंगे बंद कर दो और कानून का पालन करो, मगर सच्चाई तो यह है कि वो खुद ही कानून का पालन नहीं करते हैं। जिनलिंग में दहशत फैली हुई है, आपको यह जगह जल्दी ही छोड़नी होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे पिताजी को बचाने के लिए। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अलविदा। कौन थे ये? चाहे कोई भी हो, हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए। चलो चलो, जल्दी करो। ओ ठीक है ठीक है। देखते ही गिरफ्तार कर लेना। ए, रुको। हाँ, चल जा। रुको। अरे तू कौन है रे? हेलो सर। ये क्या है और अंदर क्यों लेके जा रहा है? सर, पिताजी को मलेरिया हो गया था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। अरे पिछली रात वो मर गए, लेकिन वो मरने से पहले माँ के बगल में दफन होने की इच्छा जताई। मुझे शहर के बाहर उन्हें दफनाना है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? जा जा, तू जा अंदर, जा जा। शुक्रिया सर। रुको जरा। वो सर पेट में गैस हो गई थी। अरे ये क्या कर रहा है तू? जा इधर से। कुछ तो हिला, कुछ तो हिला अंदर। पकड़ो उन्हें। चलो भागो, भागो, चलो यहाँ से। किधर भागते रे? ये रुक 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 रे, किधर भागता है? एक बार रुको तो सही। क्या तुम एक मिनट के लिए रुक नहीं सकते थे? रुको तो सही। भगवान, कैसा बाप है मेरा। हाँ चल तो रहा हूँ मैं। मिल गए। चलो चलो, वही रुक जाओ। Oh!
चलो। अरे भाई मैं बहुत थक गया हूँ। फिर से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका धन्यवाद। जिन लिंग बंद कर दिया गया है उन्होंने तुम्हारा इश्तिहार हर जगह लगा दिया है, तुम यहाँ पर छुप सकते हो। आप ही देख लो, इस छोटे शहर में जिंदगी जी सकते हैं लेकिन आपको जिनलिंग जाना है। दुनिया बहुत मतलबी है, कोई कानून का पालन नहीं करता, लोगों को बहुत परेशानी होती है। सर जी, मैंने अभी आपका मार्शल आर्ट्स देखा, आप कौन है? कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, केवल नुकसान ही होता है। आप बुरा सपना देख रहे हैं क्योंकि आपने पाप किया है। क्या आपको पता है हर पाप अपने साथ एक सजा को लेकर आता है? तुम्हारी सजा आ रही है। आखिर तुम हो कौन? तुम्हारी जान लेने वाला। पीछे आओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तो आप मुझे नहीं मारेंगे? तुमने मासूमों को मारा है और उनको कष्ट दिया है, तुम कितने निर्दयी हो। मासूम वो मेरी सफलता के बीच में आ रहे थे, मुझे उन्हें मारना ही पड़ा। ये सब मैंने अपनी सफलता के लिए किया, इसमें गलती क्या है? तो तुम्हें कोई अफसोस नहीं है? मुझे सत्ता और पैसा पाने से कोई नहीं रोक सकता है, और तुम भी नहीं। Huh?
देखिए मुझे मत मारिए। बहुत देर हो चुकी है, कोई आखिरी इच्छा है? अगर हो तो बता दो। मेरी कोई इच्छा नहीं है, जो आप कहेंगे वो करूंगा। तो मेरे पीछे आओ। ठीक है, आता हूं मैं साथ में। सैनिकों, बाहर निकलो, जल्दी आओ, जल्दी करो, जल्दी पकड़ो उसे। हमने उसको खो ही दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ध्यान रहे कि वो तुम्हें परेशान ना करे। अगर ये उसके लिए नहीं होता तो इन पैसों को लेके हम अब तक निकल चुके होते। ऐसे माहौल में कहीं कोई शांति नहीं है। आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मैं सोच रही हूं कि इस दुनिया में काश कुछ ऐसा होता जो पैसे से ज्यादा कीमती होता। और वो कैसे? जैसे लक्ष्य और आजादी। तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, तुम्हें कोई आजादी नहीं थी क्या? क्या तुम्हारा कोई लक्ष्य है? मुझे बताओ,
15 अगस्त को दोपहर में ये चाबी लेकर आना। किसी ऐसे इंसान को ढूंढ लो जो एक कोड समझ सके। जिंगलिंग डेंग्यू पेविलियन टी हाउस में उनसे कहो उसके पास जो भी है उसे लेकर मिस्टर चेंग से ग्वांगझोउ के 7 नंबर गली में मिले। ये उन्हें दे देना। चिंता ना करें, इन हुआ हुआ का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है, लेकिन वो तो मेरा बेटा है। पिछली बार वो मैं उसे नहीं मार पाया था, लेकिन इस बार तुम्हें मेरे बदले को पूरा पूरा करना पड़ेगा। अंकल यान अंकल यहाँ के लिए। क्या दावत है मेरे शादी के लिए? पैसे बचाओ तभी जाकर और दारू पी पाओगे। पियो पियो पियो। मैं सोच रहा था कि अगर हम एक बेहतर जिंदगी जिए और एक दिन तुम्हारी शादी हो जाए और फिर मेरा एक छोटा सा पोता भी हो, कितना अच्छा रहेगा। तुम क्यों हर वक्त अपने आप को परेशानी में डालना चाहते हो? तुम एक बेहतर जिंदगी जी सकते हो। मैं सोचता हूं हम इन सब से कहीं दूर चले जाएं, कितना अच्छा होगा ना। क्या पिताजी, मुझे बस जाकर ये चाबी देनी है। आप ये चाबी किसी और से भिजवा दो और मेरी जान बचा लो। हाँ, मैं सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ। पियो पियो, बेशक बेशक। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम एक बूढ़े से डर गए, नामकूल आदमी? मास्टर जॉन, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मुझे कुछ वक्त और दें। ठीक है, फिर ये तुम्हारा आखिरी मौका है, और अगर इस बार हारे फिर यहां कभी मत आना। ठीक है मास्टर। अपना नीचे से ऊपर पूरी दारू पी लो, ये महान शराब। लेकिन मेरे शादी के लिए पैसे बचाओ। बिल्कुल सही कहा। बेशक, बिल्कुल सही कहा। जरा सुनिए, ये टिंगू पवेलियन की चाय की दुकान कहाँ है आपको पता है? मेरे को नहीं पता। सुनिए, क्या आप जानती हैं टिंगू पवेलियन चाय की दुकान कहाँ है? मुझे नहीं पता। अच्छा, क्या किसी को नहीं पता? भाई साहब, क्या आप जानते हैं कि ये टिंगू पवेलियन चाय की दुकान कहाँ है? पता नहीं जी। अच्छा, पिताजी, पिताजी।
बहन जी, क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? क्या आप जानती हैं कि ये टिंग्यू पवेलियन की चाय की दुकान कहाँ पर है? टिंग्यू पवेलियन चाय? हाँ, हाँ, नहीं पता। मुझे टिंग्यू क्वान के बारे में पता है। हाँ, 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 वो कहाँ पर है? ये सामने फाटक के पास। लेकिन वो बहुत टाइम से बंद रहता है। मुझे लगता है अब तक वो खंडर बन चुका है। शुक्रिया शुक्रिया, जाके देखता हूँ। आइए आइए, ले जाइए आइए। जरा सुनो। चल जा। हे तुम, हे पीछे देखो, पीछे घूमो जरा। हाँ, हे बोला ना, पीछे घूम। काफी समय बाद मिले, कहाँ थे तुम? मी से आप? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो। आपका क्या मतलब है? तुम पागल हो क्या? वापस क्यों आ गए तुम यहाँ? वो छोड़ो, मेरे पापा वो कहीं खो गए हैं। पापा? वो ये सब क्यों कर रहे हैं? बहुत लंबी कहानी है। तुम्हें यकीन है वो यहीं है? हाँ यकीन है। दाओ पेंग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हें पूरे शहर में ढूंढा जा रहा है। ठीक है, पहले तुम्हारे रुकने का कुछ इंतजाम करती हूँ। hey, मिस हे, मैं यांग के घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ। वो एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश कर रही है और ये मेरी मदद क्यों कर रही है? देखिए साहब, जिसे आप पकड़ना चाहते हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब है। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि इस झमेले से मुझे बाहर रखिए। कुछ ना कुछ तो तुम्हारा लेना देना है झमेले से। अच्छा, फिलहाल तो मुझे अकेला छोड़ दीजिए आप, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं ताकत के लिए काम करता हूं और आप करते हैं पैसे के लिए। पैसा बहुत अच्छी चीज है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे लोग आपके लिए काम करेंगे, फिलहाल इतना ही कर सकता हूं मैं।
प्रमुख डुओ, आपको बता दूं मैं, मार्शल नायक गाओ टियांग जिंगलिंग में वापस आ चुके हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही कि उसकी आखिर इतनी हिम्मत हुई कैसे। कहीं उस आदमी ने मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं लगा लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मार्शल नायक जिंगलिंग में वापस आ गए हैं। हाँ, मिस्टर यान चाहते हैं कि हम क्रांतिकारी दल को कुचल डालें। हाँ? गोटिंग कितना बेरहम है, उसका शिकार करना मतलब क्रांतिकारी दल से भी मुश्किल है। वो लंबे वक्त से बाहर ही है। बेरहम योद्धा, चलो जाने दो, लड़ने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अरे वैसे भी उसके पिता है हमारे पास, हमने तो चारों ओर से घेर लिया है, इस बार तो वो मरेगा। मुझे लगता है मुकाबला शुरू होने वाला है, चलो चलते हैं। हाँ चलो। उसका पिता मेरी गिरफ्त में है, मुझे यकीन है कि वो जरूर आएगा और इससे मेरा काफी वक्त बचने वाला है। मजेदार, ऐसा लगता है डॉ फेंग को नहीं पता कि उसकी बेटी भी इसमें शामिल है। वो पेंग के लिए काम करती है जबकि उसे उनके साथ काम नहीं करना चाहिए। गाओ टियांग को पता है कि पेंग उसे ढूंढ रहा है, लेकिन फिर भी उसने वापस आने की हिम्मत क्यों की? अगर वो बुढ़ा वापस आना चाहता है तो आखिर फिर वो योंग फेंग को क्यों बचाएगा? क्या संयोग है आखिर ये। पहाड़ों के बीचों बीच साफ पानी मिलेगा, वक्त घोड़े की रफ्तार से भाग रहा है। वाइब्रेंट क्विज हो को दिखाते हुए हम विशाल समुद्र को देखते हैं। किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जिसे मैं नहीं जानता। ये कविता सुनाकर क्या ये वही तो नहीं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? तुम अभी क्या बोल रहे थे? अभी कुछ भी तो नहीं, बस वो एक कविता। कविता? हाँ। कैसी कविता? मेरे बिस्तर के सामने एक टॉवर है, उसके ऊपर एक चांद है, और चांद की रोशनी से मेरी आंखें बंद हो जाती है। ये कैसा संयोग था? मिसे, मेरे पापा कहीं मिले? दो पेंग के कब्जे में। दो पेंग? तो कहाँ है मेरे पिताजी? पुलिस उन्हें जेल लेकर गई है। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? अपने पिताजी को बचाने। तुम्हें लगता है ये सब बहुत आसान है? दो पेंग को जो चाहिए वो मैं हूँ, मैं दो पेंग के पास जाऊंगा पिताजी के रिहाई के लिए।
अगर मैं इसे ठीक कर दूं, गांव तीन को पता होना चाहिए कि उसके पिता दो पेंग के पकड़ में हैं। लेकिन कुछ तो है जो कि गलत हो रहा है। ये नहीं हो सकता। उसे लेकर आओ, फिर हम देखते हैं। तुम यहाँ कैसे? अंकल यान ने मरने से पहले आपको कुछ बताने के लिए कहा था। उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? तुम्हारे पापा की चिंता मत करो, मैं हूं ना। शुक्रिया मिस है। चल अंदर। वापस लाने को कहा है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप रुकिए जरा, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। हाँ, शुक्रिया, शुक्रिया मिस ही, मेरी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। जल्दी चलिए, आपके बेटे से मिलाना है। हाँ। तुमने गौतम की मदद क्यों की? मुझे लगा कि वो एक बेहतरीन कलाकार है, इसलिए मदद की। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। कहने का क्या मतलब है आपका? खेल खेलना आपके लिए अच्छा नहीं होगा मैडम। कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि आपने ये जोखिम उठाया। सच कहो, आखिर कौन हो तुम? मैं बस एक मासूम औरत हूँ। क्रांतिकारी दल के नेता क्विंग योंग योंग की बेटी हो, मासूम नहीं हो सकती। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्विंग यांग मेरे पिता हैं। जल्दी करो। अपने पिता की जो भी चीजें हैं वो तुम मुझे दे दो और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं ऐसे किसी सामान के बारे में नहीं जानती। आप चाहे तो डॉग पेंग से पूछ लें। डॉग पेंग के पास तो असली खजाना है, तुम उसे टुकड़े टुकड़े करके ले लो। मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूं क्या? तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हें मारना मेरे लिए शर्म की बात होगी। चाहो तो तुम कुछ समय ले सकती हो इसके बारे में सोचने के लिए। हो, इससे तुम क्या साबित करना चाहते हो? प्रमुख जुओ, तुम्हें पता है कि ये सब क्या है। अगर तुम चाहो तो मैं ये फिर से दोहरा सकता हूँ। तुमने कहा ये क्रांतिकारी दल से है, ये नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि तुमने किसी गलत व्यक्ति को उठाया है। किस बात का यकीन है? मैं जानता हूँ कि तुम हमारी जिंदगी ले सकते हो। तुम्हारी जिंदगी नहीं चाहिए और ना इस लड़की की। मुझे तो वो सामान चाहिए जो यांग युंग छोड़कर चले गए। तुम्हारा कहने का मतलब है कि यांग युंग ने इसको कुछ दिया है? Impossible. Yang Ho, आपके पास कोई सबूत है? ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। आप ये सही नहीं कर रहे हैं। प्रमुख जुओ, मुझे कायदा पता है, मैं बिना सबूत के बातें नहीं करता। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जिस इंसान को मैं यहाँ पकड़ने के लिए आया हूँ उसका आपसे कुछ ना कुछ तो जरूर वास्ता है। मास्टर युन के खिलाफ जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उसे बोलो
वो सामान मुझे दे दे और फिर उसे जाने दूंगा मैं। वो बताओ मुझे, आखिर तुम हो कौन? जो भी तुम जानती हो सब बताओ, जल्दी बताओ, बताओ मुझे, बताओ मुझे, जल्दी बोलो, बोलो। मुंह खोलोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, अगर वो तुम्हारे पास सामान है तो तुम इसे दे क्यों नहीं देती? बोलो, आखिर तुम मुझे भी इसमें क्यों घसीट रही हो? बोलो। हाँ, अगर तुम नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या कहा तुमने? जोर से बोलो। क्या कहा? गाउतियन, तुमने वो सामान गाउतियन को दे दिया? तो तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बोला? यह नहीं हुआ, वो सामान गाउतियन को मिल चुका है, अब हम इसे छोड़ सकते हैं। सच्ची? तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? गाउतियन को मेरे पास लेकर के आओ, फिर ही मैं इसे छोड़ूंगा। ठीक है, ये हमारी डील रही। उस बुड्ढे को शहर के फाटक पे सूली पे लटका दो। जी। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे कुछ करना होगा। पंखों वाला झंडा, ऐसा क्यों किया है? हिलना मत, अगर तुम हिले तो तुम्हें मार दूंगा मैं। चलो चलते हैं यहां से कहीं और, हमें यहां से कहीं दूर चले जाना चाहिए। ये दहशत भरी दुनिया है, यहां लोगों के पास हथियारे हैं और हम कौन हैं? हम बस छोटे मोटे लड़ाकू कलाकार हैं, हम उन्हें नहीं हरा सकते हैं। मुझे खिलाओ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें जिंगलिंग के आसपास की जगह दिखाता हूँ। ये तुम्हारा पहली बार है? जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरे भी बहुत सारे बड़े बड़े सपने थे। मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था और खुद को साबित करने के लिए मुझ में बहुत क्षमता भी थी, लेकिन हुआ क्या, मेरा ये पांव टूट गया और मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। हट जाओ यहां से। रुक जाओ। जब मेरी उम्र ज्यादा हो गई तब मैंने सोचा कि मुझे और तुम्हें एक ऐसी जिंदगी की जरूरत है जहां हमें किसी तरह की दिक्कत ना हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारे बच्चे हों और मेरा एक छोटा सा पोता भी हो जाए, बहुत अच्छा लगेगा। जब एक दिन तुम्हारी भी उम्र हो जाएगी तब तुम भी यही सोचोगे। मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा और तुम मेरे सामने आकर खड़े हो गए। आखिर इससे तुम क्या साबित करना चाहते हो? क्या तुम ही यौन फैंग को जानते हो? फिर तुम वापस आकर मुझसे मिस हे को ले जाना, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे पिता को सुरक्षित रखना होगा। आखिर तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई?
क्या आपको लगता है यान हो अपना वादा निभाएंगे? तुम्हारे लिए ली ग्योटिन को लेकर आया हूं। हे युनफेन को जाने दो। अब ज्योटियन आखिरकार मुझे मिल ही गए दोस्त। तुम मेरे पिताजी को छोड़ दो तो मैं मिस हे को छोड़ दूंगा, क्या कहते हो? लेकिन मैं कैसे भरोसा करूं तुम पे? फिर तुम्हारी मर्जी। उस बूढ़े आदमी का क्या? अंकल यान तो मर गए। तो वो मर चुके हैं। क्या तुम जानते हो उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो आदमी मुझसे मुकाबला कर ही नहीं सकता था। क्योंकि वो चाहते थे कि तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, लेकिन तुम अपनी इच्छाओं के लिए लाचार हो गए थे। मुझे लगता है तुम्हें ये बकवास बंद कर देनी चाहिए। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। मेरे सामने कोई भी अपनी शर्त नहीं रख सकता। प्रमुख डुओ, धन्यवाद। इन सभी को भी लेके जाओ यहां से। रुक जाओ। अगर तुम कहना क्या चाहते हो बोलते क्यों नहीं? आपको क्या लगा मैं इन सभी को यहां से यूं ही जाने दे सकता हूं? तुमने अपना वादा तोड़ा है तो तुम मास्टर यौनशिफ के खिलाफ जाओगे, वो भी इस ही युंगफेंग की वजह से। मुझे लगता है आप ही नियमों के खिलाफ जाते हैं। क्या बात, ध्यान से सुनो, नियमों को मैं ही बनाता हूं। चलो। ये सब तुम क्या कर रहे हो? इस सब से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। इस सब का अंदाजा है तुम्हें? खुद को मरवाना चाहते हो क्या? यान हो, ये रहा वो असली सामान। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम जानते हो मास्टर यौन कैसा व्यवहार करेंगे तुम्हारे साथ? मुझे मास्टर यौन के नाम से अब धमकाना बंद कर दो दोस्त। ये मत भूलना कि तुम इस समय जिनलैंग में हो। अगर तुम्हारे मास्टर मुझे सजा देना भी चाहते हैं, लेकिन उनका इससे कोई वास्ता नहीं। ये तुम्हारे और उनके बीच की बात है। मैं इससे बाहर रहूंगा। ले जाओ सबको। जाओ। यान हो, अभी हमारे बीच के लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ गया है। इसमें कुछ नियम है, जीना या मरना। जीतने वाला जिएगा और हारने वाला मरेगा।
कुछ भी कर सकते हैं। उसे नहीं मार पाया था, मुझे लगता है मुझे इस दुनिया में पापों के खिलाफ लड़ना चाहिए था।